अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 9 मैट्रिक। आज हम यूनिट नंबर 3 नेटवर्क्स के नोड्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, नोड्स डिस्कस करने से पहले कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि ये कहीं ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं, हमारे मार्क्स और डिटेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, मेरे बेसिक यही होती है कि हर लेवल का बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सके और जो भी सारे मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। ठीक है, अगर आपको स्टिल लगता है कि नहीं ये शॉर्ट है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट बी श्योर इससे कम ना हो और ना इसमें से कोई चीज़ मिसिंग हो। एक्सटेंड आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, और लाजमी नहीं कि ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में ही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बेसिक पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करती हूँ ताकि मिस ना हो। जिस तरह कुछ पॉइंट्स हैं, जिस तरह ये एक लाइन में है, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सी, एज अ एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन मैंने सारे मेजर पॉइंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये शॉर्ट क्वेश्चंस डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। अब देखिए, इसमें हर चीज़ कवर हो जाती है कि क्या एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जो कि लिंक भी करते हैं टुगेदर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, अ नेटवर्क फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। हमने इसका बेसिक पर्पस भी बता दिया कि क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? आपका ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जो कि क्या यूज़ करते हैं? TCP/IP जो एक प्रोटोकॉल है यूज़ करते हैं। किस लिए? कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन द नेटवर्क्स। इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट, वट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क? इसमें आपने मैंने दो टाइप्स के लिखे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसकी हेडिंग्स दें और हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, जिससे आपके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फाइल शेयरिंग है, हार्डवेयर शेयरिंग है, एप्लीकेशन शेयरिंग हो जाती है, इंटरनेट कनेक्शन की शेयरिंग है, कम्युनिकेशन के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, और आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द फाइल सर्वर्स। लेकिन अगर आपसे ये इतना लेंथी नहीं याद हो रहा हो तो ये ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, नॉर्मल अगर उसके लिए आप, मैं बता रही हूँ कि ये ज़्यादा शॉर्ट है, आप इसे एक सिंगल लाइन में कर लें कि वी कैन शेयर फाइल्स, एप्लीकेशन एंड अदर रिसोर्सेज, तीनों को मर्ज कर दिए, लाइक एक्सपेंसिव हार्डवेयर डिवाइसेज एमंग ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। इट ऑल्सो हेल्प अस टू इंक्रीज अवर स्टोरेज कैपेसिटी by storing our files on the file server। तो ये इसको मैंने ज़्यादा शॉर्ट करके लिख दिया। अगर वो आपको लेंथी लगे या ज़्यादा आपसे याद ना हो तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। नेक्स्ट, वट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल? क्लाइंट क्या आप, वट इज़ क्लाइंट इन क्लाइंट सर्वर मॉडल? तो क्लाइंट आपका क्या, एक प्रोसेस है दैट एक्सेसेस अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन ने क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है कुछ सर्विसेज को, कहाँ से? सर्वर से, और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ईमेल चेक करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट यूज़ करेंगे। वेब ब्राउज़र क्या है? आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप ईमेल चेक करते हैं। वट इज़ सर्वर इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल? तो सर्वर क्या, एक फिजिकल कंप्यूटर है जो कि डेडिकेट किया जाता है टू रन द सर्विसेज एंड टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स। जो जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने सेंड की है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीट्स, वो उसको रिटर्न करे जो भी इसका रिप्लाई है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग। इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। देन नेम द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। क्लासिफिकेशन आपकी किस किस टाइप में है? दो क्लासिफिकेशन हैं। यहाँ पे मैंने नेम कहा था, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो जस्ट नेम्स मेंशन कर रही हूँ। क्या क्या है? टाइप ऑफ कनेक्शन और टोपोलॉजी, ये दो क्लासिफिकेशन हैं। और फर्दर टाइप ऑफ कनेक्शन में क्या क्या आ जाती हैं? पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। टोपोलॉजी में फिर हमारे पास आगे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड सो ऑन। सो लेट्स डिस्कस वट इज़ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जी क्या है? जिसमें डायरेक्ट लिंक होता है ओनली बिटवीन टू डिवाइसेज। क्या डिवाइसेज होती हैं? सेंडर और रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन अ रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी। तो ये आपका क्या है? पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट लिंक। वट इज़ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? देर इज़ अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। वहाँ हमारा डायरेक्ट लिंक था सिर्फ एक सेंडर और एक रिसीवर के दरमियान, यहाँ क्या है? मल्टीपल रिसीवर्स हैं। सो मोर डिवाइसेज कैन शेयर अ सिंगल लिंक। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क, अ सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेज। एक वाईफाई कनेक्शन होता है जो कि शेयर कर रहा होता है आगे मल्टीपल डिवाइसेज को। देन डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का? ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज, कि आपकी डिवाइसेज आपस में कनेक्ट किस तरह, फिजिकली किस तरह कनेक्ट हैं। तो जो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, बस, स्टार, रिंग एंड मैश। इसके अलावा और भी हैं लेकिन आपकी बेसिक ये मोस्टली ये यूज़ होती हैं। ठीक है, बस, स्टार, रिंग एंड मैश। नेक्स्ट, डिफाइन बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सिंगल कंटिन्यूस केबल होती है जिसे आप बस भी कहते हैं या बैकबोन भी कहते हैं।
इसके एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ये आपके दो एंड पॉइंट्स हैं. इट इज़ यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज इन द नेटवर्क. ये एक केबल ही यूज़ होती है जो सब डिवाइसेस को कनेक्ट करती है. अच्छा, जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ पिक्चर्स रिप्रेजेंटेशन लाजमी किया करें ताकि क्लैरिफाई हो जाए. अगर आपसे एडवांटेज नहीं भी मांगा तब भी आप एटलीस्ट एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लाजमी दिया करें. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है. और अगर आप फेलियर ऑफ वन डिवाइस विल नॉट इफेक्ट द अदर डिवाइसेज कनेक्टेड टू द नेटवर्क. अगर एक सिस्टम ब्रेक होता है तो बाकी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज के अगर ये मेन केबल में फेलियर आ जाता है तो आपका होल सिस्टम वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. देखिए, हर किसी के साथ पॉइंट टू पॉइंट मीन डायरेक्ट कनेक्शन है. और किस तरह, वाया केबल्स टू अ सेंट्रल पॉइंट. किससे कनेक्टेड होती हैं, हब से या स्विच से. इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल एंड रिकनफिगर. और डिसएडवांटेज के, इफ़ देर इज अ सम प्रॉब्लम इन द हब और स्विच. अगर आपका हब या स्विच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो होल नेटवर्क डेड हो जाएगा आपका. थर्ड, रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स विद एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू इट्स इमीजिएट नेबर ऑनली. ये आपके एक ये कंप्यूटर है तो इसके इमीजिएट नेबर्स कौन से हैं, ये और ये इसके इमीजिएट नेबर्स हैं. ठीक है, ये यूनि डायरेक्शन भी हो सकती है, मीन्स डाटा कैन ओनली बी सेंड इन अ सिंगल डायरेक्शन लाइक क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज. ओके, और बाई डायरेक्शन भी हो सकती है कि दोनों साइड पे वो डाटा सेंड कर सकता है. इसका एडवांटेज क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेंट्रल डिवाइस टू मैनेज द कनेक्टिविटी. कोई हब या स्विच, कोई सेंट्रल डिवाइस रिक्वायर नहीं होती. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अ फेलियर ऑफ अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स मेड डाउन द होल नेटवर्क. क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र करना है और ये कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा या ये कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, तो वो उसने इसी के थ्रू सेंड करना है डाटा. तो आप इसमें कम्युनिकेशन के लिए उसने दरमियान में डिफरेंट कंप्यूटर्स का यूज़ करना है, तो अगर वो प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपका एक या दो कंप्यूटर डेड हो जाए तो. नेक्स्ट, मैश टोपोलॉजी. इट कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर एंड डायरेक्ट लिंक. हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड. ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस हैं हर डिवाइस उससे कनेक्टेड है विद अ डायरेक्ट लिंक. दिस टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल, मोर सिक्योर एंड फास्ट. आपके दरमियान में कोई और चीज़ यूज़ नहीं हो रही इसलिए ये बहुत रिलायबल भी है और फास्ट भी है क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है. बट ये एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको केबल, इसकी केबल कॉस्ट ज़्यादा है. आपको एक डिवाइस को हर डिवाइस के साथ केबल कनेक्शन करना है तो इसकी केबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम. दिस मैसेजेस आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स. ये मैसेज होते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट हो सकता है, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, या इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है. तो ये मैसेज आपने सेंड करना है, सेंड या रिसीव करना है थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम. तो ये होता है आपका डेटा कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, सिर्फ नेम कहा हुआ है. तो नेम क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर है, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडियम. ये कंपोनेंट्स हैं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के. प्रोटोकॉल क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. ठीक है, आपके अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ करें कि आपने कैसे डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है, तो एक उसके पास प्रोटोकॉल होगा कि क्या एग्रीमेंट है. इन कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स कि किस रूल के अकॉर्डिंग और किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने कम्युनिकेट करना है. क्या कम्युनिकेट करना है, डेटा बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. ठीक है, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम. मीडियम क्या होता है, एक फिजिकल पाथ जो कि कनेक्ट करता है सेंडर को और रिसीवर को. ट्रांसमिट, इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द डेटा. मीडियम क्या हो सकता है, कोई कॉपर वायर भी हो सकती है, कोई फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, कोई माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं. कि आपने किस तरीके से इन दोनों को आपस में अटैच करना है, लिंक करना है. तो वो आपका वायरलेस वे भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है. और इसको आप कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं. मीडियम को आप कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं. व्हाट इज मैसेज इन द कम्युनिकेशन सिस्टम. हमने पढ़े थे कि पाँच इसमें हैं आपके कंपोनेंट्स, तो उसका एक कंपोनेंट है मैसेज. तो वो क्या होता है, इज अ डेटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड. कि आपने कौन सा डेटा सेंड करना है. इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोज और एनी कम्बिनेशन ऑफ दिस. डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स.
आप जो मैसेज सेंड करते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और हर पैकेट में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक पेलोड, पेलोड मीन्स इसका एक्चुअल मैसेज, और इसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मीन डेस्टिनेशन एड्रेस, हेडर्स, और जो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप सब इसका मैसेज में अटैच होता है, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। नेम द लेयर्स यूज्ड इन TCP/IP, तो कौन कौन सी नेम्स हैं, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आगे एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन में की हुई है, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट, डिफाइन TCP/IP मॉडल, फुल फॉर्म क्या है इसका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस। इसकी फाइव लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स। तो आप TCP/IP मॉडल में क्या है, फाइव लेयर्स यूज होती हैं, और हर लेयर का एक अपना पर्पज होता है कि उसने क्या यूज़ करना है, क्या करना है, उसका क्या काम है। वट इज़ द पर्पज ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल है, विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, MCQs में भी आ सकता है ये क्वेश्चन इस तरह के, कि FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वट इज़ द पर्पज, ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। HTTP का पर्पज क्या है, हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब के, यूज बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, किस लिए यूज होता है, टू ट्रांसफर द वेब पेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर, और इसमें वेब सर्वर जो है उसे हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। वी यूज दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, अगर आपने कहीं फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप FTP यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तो आप HTTP यूज़ कर रहे हैं। आपने मोस्टली देखा भी होगा कि वेबसाइट्स के साथ स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP और HTTPS, HTTPS जो होती है वो मोर सिक्योर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ SMTP, SMTP भी एक प्रोटोकॉल है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, किस लिए, टू ट्रांसमिट द ईमेल्स। ओके, वाई एड्रेसिंग इज इम्पॉर्टेंट, हम अगर डाटा सेंड कर रहे हैं कहीं पर तो एड्रेसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी देखें, अगर आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं तो उसका आपको होम एड्रेस चाहिए कि लेटर कहाँ जाए। ठीक है, अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आपको ईमेल एड्रेस चाहिए कि ईमेल जानी कहाँ चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क तो आपको उसका डेस्टिनेशन एड्रेस बताना पड़ता है ताकि आपके रिलायबल डाटा ट्रांसफर हो और उसी बंदे तक पहुंचे या उसी नेटवर्क या उसी डिवाइस तक पहुंचे जहां पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर इज एडेड विद द पैकेट टू डिस्टिंग्विश द टारगेटेड एप्लीकेशन सो दैट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन शुड रिसीव द डाटा, कि आपने किस डिवाइस को किस एप्लीकेशन को ये डाटा भिजवाना है, इसलिए आप इसमें पोर्ट नंबर ऐड करते हैं। अगर आप नहीं ऐड करते तो वो डाटा कहाँ जाएगा, उसको तो कोई सोर्स ही नहीं पता कि कहाँ उसकी डेस्टिनेशन क्या है, तो कोई भी इसको रिसीव कर सकता है, तो ये आपका रिलायबल भी नहीं होगा और इनसिक्योर भी होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिफाइन IP एड्रेस, व्हाट आर इट्स टाइप। IP एड्रेस एक यूनिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है दैट आइडेंटिफाइज ईच कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वो इसको एक IP एड्रेस असाइन कर देता है। ये दो टाइप्स के IP एड्रेस होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक के IP एड्रेस आपका फिक्स्ड है कि आपने अपनी केबल से कनेक्टेड है, आपने IP एड्रेस फिक्स कर लिया नेटवर्क। डायनेमिक क्या है कि जब भी आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो एक न्यू IP एड्रेस आपको असाइन कर दिया जाता है, हर दफ़ा चेंज होता है। ठीक है, जब भी आप कनेक्शन बनाते हैं हर टाइम आपको एक नया IP असाइन कर दिया जाता है उस नेटवर्क में, ये आपका डायनेमिक IP है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन IPv4 एंड IPv6 एड्रेसिंग। इसमें जो साइज कैलकुलेशन है वो मैंने इसमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन में दिया हुआ है, वो वहाँ से चेक कर लें, ये वैसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो IPv4 में क्या होता है कि फोर नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ईच ग्रुप कैन कंटेन 0 to 255 डेसिमल वैल्यू, और मैक्सिमम साइज इसका क्या हो सकता है 32 bits। वाइल IPv6 में क्या होता है, 8 नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ओके, ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 hexadecimal डिजिट्स। यहाँ पे क्या था, 0 to 255 डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे 4 hexadecimal डिजिट्स, और मैक्सिमम साइज इसका 32 बिट था, इसका 128 bits है। ये IPv4 एड्रेस की एग्जांपल है, ये IPv6 की। ठीक है, हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद द नेटवर्क एड्रेसिंग। फॉर मेकिंग अ फोन कॉल एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक फोन नंबर, सिमिलरली ऑन द इंटरनेट ईच डिवाइस कनेक्टेड टू इट हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क।
जिस तरह आप नॉर्मल रूटीन में फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं, तो हर पर्सन का एक डिफरेंट फ़ोन नंबर है, ठीक है। आप उसे डायल करते हैं, उसे पता होता है कि ये कहाँ आपने क्या इसकी डेस्टिनेशन क्या है। इसी तरह जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि इसे आइडेंटिफाई करवाता है हर डिवाइस को नेटवर्क पे। डिफाइन राउटर, राउटर क्या है जी, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। अ राउटर एनालाइजेस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डेटा पैकेट, डिटरमाइंस द बेस्ट रूट एंड सेंड इट अकॉर्डिंगली। इसने क्या करना है, इसने पहले एनालाइज करना है कि कहाँ उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट रूट फाइंड आउट करना है कि मैं किस रूट से जाऊँ तो ये इसका डेस्टिनेशन ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट है, और फिर इसको उसके अकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ये राउटर का पर्पस होता है। राउटिंग क्या होती है, इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा, ठीक है। राउटर के थ्रू आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, राउटिंग, फ्रॉम वन डिवाइस सोर्स से एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस डेस्टिनेशन को ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क्स। अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड है तो उसमें आप कैसे सेंड कर सकते हैं, राउटिंग कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस इसका क्या होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स डिवाइस ने क्या करना है, इज कॉन्फ़िगर टू सेंड ऑल पैकेट्स डिस्टाइंड फॉर रिमोट नेटवर्क्स टू द राउटर। सोर्स डिवाइस ने क्या करना है, सारे पैकेट्स राउटर को सेंड कर देने। राउटर ने पैकेट्स रिसीव करने हैं, राउटिंग टेबल चेक करने हैं, उसके आई पी एड्रेसेस डेस्टिनेशन के चेक करने हैं, फिर राउटर ने फॉरवर्ड कर देना पैकेट्स को आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट, जहाँ जहाँ जिस जिस नेटवर्क में उसने आई पी एड्रेसेस को मिलते हैं उस आई पी एड्रेस पर उसने पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देना है। अगर इफ़ द राउटर डज नॉट फाइंड एनी एंट्री, इट डिस्कार्ड्स द पैकेट। अगर उसको कोई आई पी एड्रेस नहीं मिलता डेस्टिनेशन में तो वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट हंड्रेड्स ऑफ राउटर माइट फॉरवर्ड, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क आपके यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आपने सिंगल पैकेट फॉरवर्ड करना है तो मे बी वो काफ़ी सारे नेटवर्क से होके जाए, ठीक है। ओवर द इंटरनेट हंड्रेड्स ऑफ राउटर माइट फॉरवर्ड अ सिंगल पैकेट एज इट मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन द इन स्टेप्स द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन होती कैसी है, सेंडर और ट्रांसमिटर इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोथ डिवाइसेस चूज द प्रोटोकॉल। पहले इसने इनिशिएट किया कि क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस करना है, फिर वो प्रोटोकॉल चूज़ करेंगे कौन सा प्रोटोकॉल चूज़ करना है, कि उन्होंने फाइल सेंड करनी है, उन्होंने ईमेल सेंड करनी है, ब्राउजिंग करनी है, कौन सा प्रोटोकॉल चूज़ करना है। सेंडर अपना मैसेज सेंड करेगा, मैसेज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, बाय यूजिंग ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, कोई भी केबल्स भी हो सकती हैं, वेव्स भी हो सकती हैं, वो वायर्ड या वायरलेस कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है। और किस तरह सेंड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। सेंडर ने क्या करना है, मैसेज सेंड करना है, मैसेज किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन मीडियम, मीडियम भी कोई भी हो सकता है आपका, और किस फॉर्म में करना है, पैकेट्स के फॉर्म में। हर मैसेज के दो पार्ट्स होते हैं, पेलोड है, पेलोड क्या होता है, एक्चुअल मैसेज कि आपने डाटा जो ट्रांसफ़र करना है, और फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, हेडर ऑफ द मैसेज। एट द एंड क्या होगा, रिसीवर और सिंक, इसे रिसीवर भी कहते हैं, सिंक भी कहते हैं, दैट रिसीव्स द मैसेजेस। ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि इसने प्रोटोकॉल चूज़ किए, सेंडर ने किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर को मैसेज सेंड किया। अब हैं जी कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, आप इन्हीं से एक्सटेंसिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। इसमें जिस तरह डिफाइन नेटवर्क ऑल्सो राइट्स इट्स एडवांटेजेस, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे नेटवर्क की, फिर इसके एडवांटेजेस, यहाँ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ आप इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ आप इसको एक्सप्लेन करें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मार्क्स हैं, आप इससे ज़्यादा भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो एडवांटेजेस यही हैं, आप इन्हीं को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देन डिफाइन नेटवर्क, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो आपने सबसे पहले नेटवर्क को डिफाइन करने है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज को डिफाइन करने है, डिफाइन करने के बाद उनके साथ पिक्चर बना देनी है, ठीक है। बस, टोपोलॉजी, स्टार, आपने ये फोर मेंशन करनी है, बस, स्टार, रिंग एंड मैश, जो बेसिक टोपोलॉजीज हैं, ठीक है। इसमें आप अगर चाहें और एक्सटेंड करना है तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह भी इसमें ऐड करते हैं, वैसे इसमें हैं, इसमें ऑलरेडी डेफिनेशंस में इंक्लूडेड हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज TCP/IP, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईच लेयर, तो आपने पहले इसका फुल फॉर्म भी मैंशन करें कि ये आपका TCP/IP भी क्या है, उसकी डेफिनेशन बताएं, सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, उसकी कितनी लेयर्स पे वो कंसिस्ट करता है, फिर उसके बाद हर लेयर का फंक्शन,
एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, नेटवर्क लेयर का क्या काम है, डेटा लिंक का और फिजिकल का. ओके, आई थिंक दिस द लास्ट क्वेश्चन. डिफाइन प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन सम ऑफ द कॉमनली यूज प्रोटोकॉल. पहले आप प्रोटोकॉल की डेफिनेशन लिखते हैं. ठीक है, प्रोटोकॉल के एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी हम ये शॉर्ट क्वेश्चन में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हैं. अच्छा, ईच लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल. तो हर प्रोटोकॉल का क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है. फिर तीनों प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए थे, फाइल ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र और सिंपल मेल ट्रांसफ़र, उनको आप एक्सप्लेन कर दें. दैट इज़ ऑल फॉर यूनिट नंबर 3. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.